स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान टू में। आज हम आपको बताएंगे इन देशों में भारत का एक रुपया 350 रुपए के बराबर है। 14 देशों में जमकर चलेगा भारतीय रुपया। ले मजा। भारतीय मुद्रा यानी रुपए को अक्सर हमने शिकायत रहती है कि इंटरनेशनल स्तर पर इसकी कीमत बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन रुपए के इतिहास पर नजर डालें तो 1947 में जहाँ एक रुपए में एक डॉलर के बराबर कीमत होती थी, लेकिन आज एक डॉलर कीमत 65 रुपए से भी अधिक हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां रुपए की आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। अगर आप भी कहीं विदेश जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको उन खूबसूरत देशों के बारे में बता देते हैं जहाँ भारतीय रुपया आपको अमीर होने से नहीं रोक सकता। इंडोनेशिया, एक रुपये में 207.78 इंडोनेशियन रुपया। द्वीपों का देश जहां साफ नीला पानी देखने को मिलता है। इंडोनेशिया उन देशों में से एक है जहां भारतीय मुद्रा की वैल्यू अधिक है। इसके अलावा यहां भारतीय को मुफ्त में वीजा दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप कम खर्चे में खूबसूरत देश में घूमने का आनंद ले सकते हैं। वियतनाम, एक रुपया 355.04 वियतनामी डॉग। एक देश जिसे हम अपना बौद्ध गोंडा शानदार वियतनामी व्यंजन और नदियों के लिए जाना जाता है, जहां आप कयाकिंग जा सकते हैं। वियतनाम भारतीयों को घूमने के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि यहां की संस्कृति पूरी तरह से अलग है और यह बहुत दूर नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। युद्ध के संग्रहालय और फ्रेंच वास्तुकला इसके आकर्षण का केंद्र है। कंबोडिया, एक रुपये में 63.23 कंबोडियन रियाल। कंबोडियन अपने विशाल पत्थरों से बना अंगकोर वाट मंदिर के लिए लोकप्रिय है। भारतीय नागरिक यहाँ अधिक खर्च किए बिना घूम सकते हैं। इसके रियाल पैलेस, राष्ट्रीय संग्रहालय और पुरातत्व खंडहर आकर्षण के केंद्र हैं। कंबोडिया पश्चिम देशों के पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे भारतीयों के बीच फैल रही है। श्रीलंका, एक रुपया में 2.39 रुपया श्रीलंका रुपया। समुद्र तटों और पहाड़ों हरियाली यानी ऐतिहासिक स्मारकों से सजा श्रीलंका भारतीय के लिए गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यहां भारत के निकट और सस्ती उड़ान सेवा के कारण लोगों के लिए इस देश में जाना आसान है। नेपाल, एक रुपया में 1.60 रुपया नेपाली रुपया। यहाँ आपको कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिलेगा। नेपाल शेरपाओं की भूमि है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट और 7 अन्य ऊंची पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। भारतीयों का एक फायदा ये भी है कि उन्हें नेपाल जाने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइसलैंड, एक रुपया में 1.65 आइसलैंडिंग क्रोना। द्वीप में बसा ये देश दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। गर्मी से बचने के लिए आपके इसे अपनी यात्रा में शामिल करना चाहिए। आइसलैंड अपने नीले लैगून, झरने, ग्लेशियर्स और काले रेत के समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। हंगरी, एक रुपया में 3.99 हंगेरियाई फॉरिंट। हंगरी एक दरगाह विहीन देश है, जिसकी वास्तुकला और उसकी संस्कृति काफ़ी लोकप्रिय है, जो रोमन, तुर्की और अन्य संस्कृतियों से प्रभावित है। यहाँ पर बने महल और पार्कों में जाएं। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है। जापान, एक रुपया 1.70 जापानी एन। जापान के सुखी और चेरी का फूल इसके लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ जाकर हैरान होंगे कि यह उन देशों में से एक है जिनकी मुद्रा भारतीय रुपए से कम वैल्यू है। जापान एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति काफ़ी पुरानी है, फिर भी सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत देशों में से एक है, जहां धार्मिक स्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों को देखने आते हैं लोग। पैराग्वे, एक रुपया में 88.48 पैराग्वियन गुआरानी। पैराग्वे की एक दरगाह विहीन देश है। पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह उन यात्रियों की पहली पसंद नहीं है जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे पड़ोसी देश में जाना पसंद करते हैं। हालांकि पैराग्वे में प्राकृतिक और भौतिकवाद का मिश्रण देखने को मिलता है। मंगोलिया, एक रुपये में 31.84 मंगोलियन तुर्की तुगरिक। मंगोलियन अपनी घुमक्कड़ी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। मंगोलिया एक विशाल खुली जगह है जहाँ आप प्रकृति का मजा ले सकते हैं। नीले आकाश की भूमि मंगोलिया शहर को विशेष स्थान दिलाती है। रोजमर्रा के जीवन में
जीवन से दूर जाने वाले के लिए एक कदम सही जगह है। आप यहाँ आनंद हम ना रहे।